अच्छा, ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपका कानपुर नगरी में मीठी गंगे दादी विद्या दीदी के तरफ से, हम सब बहनों की तरफ से, कानपुर के सभी भाई तरफ से आपका गुलाब के फूलों से स्वागत है। स्वीकार करिए दीदी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका स्वागत स्वीकार हुआ। स्टार्ट करते हैं, टाइम जा रहा है इसमें। ओम शांति। आज हमें अर्चना बहन ने सौभाग्य दिया कानपुर नगरी में काम कराने का भाग्य दिया। वैसे हम हैदराबाद आने से पहले 50-52 वर्ष पूर्व फरुखाबाद में थे, लेकिन गंगे दादी आती थी, हम कानपुर आए नहीं कभी, तो इस रूप में मिलना होगा यह भी मालूम नहीं था। तो बाबा का और साइंटिस्ट का हम धन्यवाद करें जो ऐसे साधन बनाए हम सबको, कहीं भी जाकर हम सेवा कर सकते हैं। तो ये भी बाबा के द्वारा साइंटिस्ट को टचिंग हुई है, जो लॉकडाउन में हम देख रहे कि सब चारों तरफ बाबा के सभी बच्चों के क्लासेस चल रहे हैं, कोर्सेस चल रहे हैं, और मुझे भी बहुत जगह जाने का यहाँ से ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्चना बहन आपका अभी म्यूट कर दो क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा है, आपके माइक को म्यूट कर दो। तो आज मुझे अपने अनुभव में और मम्मा के बारे में सुनाने के लिए, आपका बंद कर दो माइक। तो मुझ आत्मा का सौभाग्य है, इस जीवन में मुझे बचपन से ही बाबा मम्मा का साथ मिला, क्योंकि मैं 3 वर्ष 9 मास की थी जब लौकिक माता पिता ज्ञान में आए 1957 में। उस समय लौकिक पिताजी आर्मी में थे, तो हम उस समय दिल्ली में ये ज्ञान प्राप्त किए, और उस समय बाबा मम्मा भी हर 15 दिन में दिल्ली में आते थे, क्योंकि नई नई सेवाएं तभी प्रारंभ हुई थी, और बाबा को भी अपना बगीचा देखने का, अर्थात चैतन्य फुलवाड़ी देखने का बहुत इंटरेस्ट होता था। बार बार बाबा आते थे अपने बच्चों को मिलने के लिए। तो लौकिक पिताजी जब ज्ञान में आए थे तो थोड़ा सा एक सप्ताह तक माता जी को पसंद नहीं था, लेकिन फिर युक्ति से सेंटर पर जाना हुआ, और हमारी बड़ी दादी जी ने कोर्स भी स्टार्ट किया उनका, और कोर्स होने के बाद वहां बाबा आने वाले थे साकार बाबा। तो दादी ने बोला थोड़े से ही भाई बहन ने जाकर बाबा को रिसीव करके लाएंगे, क्योंकि बाबा को भीड़ पसंद नहीं थी कि ज्यादा लोग नहीं आए मेरे लिए, सिर्फ 3-4 लोग आए। तो उस समय हमारे लौकिक फादर ने पूछा दादी को कि मैं तो नया हूं, लेकिन मैं दूर से बाबा का दर्शन करना चाहता हूँ, स्टेशन पर जाऊंगा, वहीं से मैं ड्यूटी पर चला जाऊंगा। तो दादी ने कहा ठीक है। फिर जब बाबा ट्रेन से उतरे, जो भी भाई बहने थे स्टेशन पर, उन्होंने परिचय दिया, बाबा ये आपका नया बच्चा है, मिलिट्री में जॉब है, अभी ये ऑफिस जाएगा यहाँ से। तो वो तो संकोच से दूर खड़े थे, क्योंकि हम इतने तो लायक नहीं है जो बाबा को टच कर सके, क्योंकि भक्ति में आदत होती है ना, गुरु जी के नजदीक जाने की परमिशन नहीं होती है। तो बाबा उनके समीप आकर के खुद ही हाथ पकड़ के उनसे शेक हैंड करके बाबा ने कहा, बच्चे तुम तो डबल मिलिट्री मैन हो,
रूहानी और जिस्मानी मिलिट्री में हो, और पहले तुम डीओजी की गवर्नमेंट में थे, अभी जीओडी की गवर्नमेंट में आ गए। तुमको तो बहुत खुशी का पारा चढ़ गया, स्वयं बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब उन्होंने लंच टाइम पर आकर ये अपना अनुभव शेयर किया माता जी से, तो उन्होंने बोला, अरे आप अकेले मिलके आ गए, तो मैं भी कल मिलूंगी क्लास में बाबा की मुरली में। क्योंकि हम तीनों छोटे छोटे थे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते थे, तो आधा समय फादर बैठते थे बाहर हमको लेकर, आधा समय माता जी। और उस समय बाबा का क्लास पूरा होते ही अनाउंसमेंट किया गया, जो नए लोग हैं वो जा सकते, सिर्फ पुराने भाई बहने ही यहाँ बैठेंगे, वरना जाए बाकी जा सकते, पुरानों से मिलन है। तो क्योंकि मिलिट्री में क्या होता है, रूल को फॉलो करने की उनकी आदत होती है, तो उन्होंने हमारी माता जी को कहा कि अभी आप है ना, चलो, क्योंकि ये पुरानों से मिलन है आज। बोले आपका हो गया इसलिए मेरे को डायरेक्शन दे रहे हो, मुझे तो मिलना है। कुछ भी हो, प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। तो जैसे ही बाबा से मिलने के लिए गए, एक दरवाजे पर जहां एंटर हुए, सामने बाबा बैठे हुए थे। तो लौकिक में मेरे बड़े भाई को, 1 साल बड़ा है, लेकिन उसको थोड़ा आंख में ट्यूमर के कारण 2-3 बार उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन लास्ट में ऑप्टिक नर्व कट होने से बहुत दुखी थे कि मेरे बच्चे की एक आंख चली गई, मेरा तो जहान खत्म हो गया। तो उसके कारण दुखी थे, तो बाबा को दिल ही दिल में उन्होंने कहा, बाबा अगर आप सचमुच भगवान इस तन में आए हुए हो तो मुझे इस दुख की दुनिया से छुड़ा कर ले जाओ। तो जिस दिन, पहले दिन भी सेंटर पर आए थे, तभी भी बाबा ने उन्हें साक्षात्कार के माध्यम से ही ज्ञान दिया। तो ये बात जब बाबा को देखकर उन्होंने बोला, मन मन ही मन में कहा कि बाबा मुझे दुख से छुड़ा दो, मुझे ले चलो सुख की दुनिया। और वो ध्यान अवस्था में चले गए, और पता भी नहीं था कि बाबा की गोद में जाना है, लेकिन ध्यान अवस्था में बाबा की गोद में चले गए। और बाबा बहुत अच्छे से उनको सिर पर हाथ फिराकर सहला रहे थे। फिर हमारा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि माँ को क्या हो गया, चलो अभी घर, भूख लगी है। तो फिर बाबा को कहा, मेरा भी ड्यूटी का टाइम है, इनको भेजो। फिर बाबा ने जैसे ही उनको हाथ सिर पर फिराते हुए कहा, बच्ची आंखें खोलो, जैसे आंख खोली, दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा, बच्ची मैं तेरे दुख मिटाकर तुझे सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं। फिर तो उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा कि ये तो भगवान है जिसने मेरे दिल की आवाज सुन करके मुझे रिस्पॉन्ड भी किया। उसके बाद बहुत लगन लग गई कि बस बाबा और मैं, बस तीसरा कोई व्यक्ति नहीं, किसी से बातचीत नहीं करते थे, अड़ोसी पड़ोसियों से। तो फिर धीरे धीरे जो है, बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर हमारे लौकिक पिताजी को भी जब पता चला कि ब्रह्मा बाबा ने किस तरह अपना तन मन धन परिवार सहित बाबा को अर्पित किया है, तो मुझे भी बाप समान बनना है। बिल्कुल नए थे, लेकिन बाबा को देखकर ऐसा कुर्बान हुए। सब कुछ जो भी था, चल अचल संपत्ति, जो भी सोना चांदी पैसा और एक प्लॉट भी था, सब कुछ बेच करके बाबा को यज्ञ में समर्पित किया। और आप सब जानते हैं ना, बाबा का बनते ही परीक्षाओं का प्रारंभ हो जाता है, तो उन परीक्षाओं का हम वर्णन नहीं करेंगे। और ये भी, ये तो बहुत एक अलग ही अनुभव का बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो ऐसे मना ज्ञान मार्ग में सब प्रकार के नियम मर्यादा जैसे जैसे उनको मालूम पड़ते गए, पूरे नियमों पर चलना शुरू हो गया। और दोनों को
पवित्र जीवन तो पसंद था, और वैसे भी दोनों को ही नॉन वेज पसंद नहीं था, तो कभी खाया ही नहीं। और प्याज लहसुन छोड़ना उतनी बड़ी बात नहीं होती है, तो वो भी छोड़ दिया। और उसके बाद बाबा की सेवा में जहां तक हो सके, सेंटर पर जब पूरी सेवाएं समाप्त होती तब वो घर पर आते थे, छुट्टी वाले दिन भी। तो अपने तन का भी इतना ध्यान नहीं रखा लौकिक पिताजी ने। तो फिर धीरे धीरे जब भी हम ट्रांसफर होते थे, बाबा हमको वहां पर मुरली भेजते थे, और लौकिक पिताजी ने ऐसे ऐसी जगह पर ट्रांसफर ली जहां सेंटर नहीं थे, सेंटर भी खुले, और फिर बहनों को वहां बाबा भेज देते थे, फिर हमारी ट्रांसफर हो जाती थी। तो इस तरह से हमको ये भी डिसिप्लिन मालूम था उनको कि मधुबन जाते समय छोटे बच्चों को नहीं ले जाना है, लेकिन छोटी वाली को ले जाते थे। तो एक बार बाबा ने कहा, दोनों बच्चों को भी लेके आओ, मुझे तो हमेशा चंद्रमणि दादी के पास हॉलीडेज में छोड़ देते थे, और मेरे भाई को अलग सेंटर पर छोड़ते थे जलंधर वगैरह में। फिर हम आगरा में थे, तभी बाबा ने कहा फुल फैमिली के साथ आओ। एक ही बार, प्रथम बार हम 63 में बाबा मम्मा के प्रेजेंस में मधुबन गए थे। हम छोटे थे, लेकिन मम्मा बाबा हमको बहुत अच्छे लगते थे। वैसे भी आप सबको पता है, छोटे बच्चे जब बाबा से मिलते थे, बाबा बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करता था, उनको लगता था बाबा हमारा दोस्त है। तो वापस घर आते समय बच्चे बहुत रोते थे, छुप जाते थे ताकि हम बाबा से दूर न जाएं। बाबा भी हमारे कमरे में भोली दादी को बोल करके खाने पीने की अच्छी अच्छी टोलियां, बिस्किट, चॉकलेट, ऑलराउंडर दादी भी आकर के देकर जाती थी। बाबा बोलता था ये प्रीतम के बच्चे, हमारी माँ का नाम प्रीतम बहन और मनिंदर सिंह भाई हमारे लौकिक पिताजी का नाम, तो इनके बच्चे आए हुए हैं, इनका पूरा ध्यान रखना। तो मुझे छोटेपन में ही, क्योंकि जब से मेरी समझ आई, पौने चार साल में ही मैं हम ज्ञान में आए, लेकिन शुरू से हमने दादियों को देखा। सब दादियां दिल्ली में ही रहते थे, गुलजार दादी हो या निर्मल शांता दादी, ऑलराउंडर दादी, बड़ी दीदी, प्रकाशमणि दादी, गंग मना ये जानकी दादी आदि, उस समय सब वहीं रहते थे। तो सबको देख देख कर, छोटी छोटी कुमारियां भी थी व्हाइट ड्रेस में फ्रॉक पहन करके, जो मधुबन की विनु बहन, बहुत ही छोटी थी वो, मुझे लगता था मैं भी ऐसी ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो मैं अब खेल भी वैसे ही करती थी, क्लास कराना, योग लगाना, बहुत देर तक मैं योग में और ध्यान अवस्था में भी चली जाती थी, बहुत रास करती थी। तो जब बाबा से मिलकर सौगात लेकर बाहर आई, तो उस दिन हमारे लौकिक पिताजी ने कहा, तुम तो हमेशा बोलती मुझे समर्पण होना है, बाबा को नहीं सुनाया? मैंने बोला मुझे शर्म आती है, मैं नहीं सुनाऊंगी। फिर थोड़ा धक्का लगाकर अंदर बाबा के पास भेजा, तो बाबा ने मुझसे पूछा क्या संकल्प, क्या हुआ, गुड नाइट करने आई? मैंने बोला नहीं बाबा, मुझे ना आप समर्पित कर लो। तो बाबा हंसे, तुम तो छोटी बेबी हो, थोड़ा 10 क्लास तक पढ़ के हिंदी इंग्लिश सिंधी सीख लो, बाबा तुम्हें देश विदेश में सेवा के लिए भेजेगा। तो मुझे तो पता भी नहीं था देश और विदेश का क्या है, मैं सोची कोई स्थान का नाम होगा। तो तब से मुझे ऐसा लगता था कब मेरा वो समय आएगा, मुझे समर्पित होना है। मैं हर वर्ष अपने फादर के साथ जब जाती थी मधुबन में, तो मैं बोलती थी, मैं नहीं बोलती, आप जाके बोलो दादी को, अभी मेरे को सरेंडर कर लेना, विनाश हो जाएगा, क्या फायदा, मुझे भी तो प्रजा बनानी है। दादियां फिर देखती थी, बहुत दुबली पतली थी ना, और फ्रॉक में या सूट में तो और भी छोटे लगते, तो मुझे लगता था अरे ये तो दादियां, तो बाबा चला गया, ये तो केयर ही नहीं करते, बोलते नहीं इनको डिग्री कराओ, ये अच्छी समझदार लड़की है, और पढ़ाओ, बहुत छोटी लगती है, इतनी छोटे को थोड़ी समर्पित करेंगे। जब मैंने 10th पास कर ली,
16 वर्ष की आयु थी और मैं रेडी थी, दादी आने वाली थी। जानकी दादी पूना में रहती थी, हैदराबाद में थे तब हम, क्योंकि बाबा ने हमको फरुखाबाद से हैदराबाद आए हम, क्योंकि आगरा में लौकिक पिताजी ने ये मिलिट्री का बंधन बहुत है इसलिए रिजाइन कर दिया था। फिर थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो उसके बाद बाबा ने कहा हैदराबाद में जाओ, आपका रूहानी जिस्मानी दोनों बिजनेस अच्छा चलेगा। तो मम्मा बाबा दोनों की आज्ञा से यहाँ पर आना हुआ। फिर दादी आई तो मैंने फिर दादी को भी अपना संकल्प सुनाया, मुझे आपके साथ चलना है, मुझे ब्रह्मा बाबा ने कहा था 10 करके फिर तुम आ जाना। तो दादी ने मना किया कि नहीं, अभी भी बहुत छोटी है ये, मेरा 16 साल था। दादी बोलती 10-12 साल की लड़की को कौन समर्पित करेगा। मैंने सोचा अभी तो ये दाल गलने वाली नहीं है, चलो एक दिन साड़ी पहन करके बैठ गई, क्योंकि शाम को दादी जाने वाली है। बाबा को ये कह करके स्टेज पर बैठी, थोड़ा अवरगंडी की साड़ी और फुल स्लीव का ब्लाउज ब्रह्मा कुमारी जैसा पहन करके बैग लगाकर स्टेज पर योग कराने लगी दादी आने से पहले। और बाबा को बोला, बाबा आज मेरा फैसला करना है, आप आज दादी मुझे पसंद कर ले, वरना फिर मेरा तो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो कोई भी नहीं छोड़ेंगे, फिर समर्पण पोस्टपोन हो जाएगा। तो दादी ना बोलने के बाद मैंने फिर खाना नहीं खाया, रात को बहुत रोई और सुबह फिर सोची कि चलो। और माता पिता को थोड़ा डराया कि अगर देखो मैं कॉलेज जाने के बाद मुझे अगर पुरानी दुनिया में दिल लग गई और ज्ञान छोड़ दूंगी तो सजा आप दोनों को मिलने वाली है, इसलिए आप मेरा फैसला करा दो आज। तो उन्होंने दादी को मेरा संकल्प सुनाया। उसके बाद फिर दादी जैसे क्लास में आई तो मैं स्टेज से उतर के सामने बैठ गई और दादी की मेरे ऊपर ही दृष्टि थम गई। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि दादी केवल मुझे ही दृष्टि दे रही है, अवश्य बाबा जो है उनको पसंद करा रहा है। और जैसे व्हाइट लाइट हुई, दादी ने पहला महावाक्य यही उच्चारण किया, आज मुझे ये कुमारी पसंद आ गई, मैं ले जाऊंगी। फिर तो मैंने अपनी तैयारी फटाफट उसी समय लौकिक फादर की दुकान कपड़े की थी और जाकर उनको नाश्ता भी नहीं खाने दिया, पहले मुझे कपड़ा दे दो, मैं एक बहन को देकर आती हूँ, सिलाई भी हो जाएगा शाम तक। इस तरह से मैं दादी के साथ चली गई और एक साल तक दादी के साथ पूना में मैंने सब कुछ सीखा, क्योंकि छोटी थी तो दादी को थोड़ा मेहनत भी लगी और मेरे को थोड़ा नेचर जो है शाई नेचर था, बहुत शर्मीला स्वभाव था, बात नहीं करती थी मैं, सिर्फ सिर से हिला करके ऐसे साइन हाँ या ना। दादी बोलती थी तेरे को जबान नहीं है क्या, बात क्यों नहीं करती। पर जब मैं बात करती थी बहनों से किचन में, दादी पीछे से उनको बोलती थी बोलना नहीं, मेरे को इसकी आवाज तो सुनने दो। तो फिर बहुत दादी मुझे वरदानी महावाक्य सुनाती थी, कुलदीप तुमको बाबा ने इतना अच्छा वरदान दिया है, देखो आप मेरे पास रहती हो ना तो ऐसा ज्ञान का मनन चिंतन करना सीखो कि जब तुम बात करो लाखों लोग सुनकर वाह वाह करेंगे। तो उस समय तो मैं दादी को बोली, दादी अगर ऐसा सीन मैं सामने लाऊंगी मुझे तो चक्कर आके मैं स्टेज से गिर जाऊंगी, मैं भाषण वाली नहीं बनूंगी, ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आता बोलना। तो फिर दादी पूछती थी बासन वाली या भाषण वाली, तो मैं बोली दादी मैं बासन वाली बन सकती, बर्तन मांज दूंगी, फिजिकल जो भी वर्क बोलेंगे आप, खाना बनाना सब कर दूंगी, इसके लिए मुझे फोर्स नहीं करो दादी। पर दादी तो पीछे लगी रही, उनको तो ज्ञान गंगा बनाना ही था। तो ये दादी के ही वरदान से मैं आज आपके सन्मुख है, क्लास कराने का है ना, दादी के वरदान लगा है मुझे, ऐसा महसूस होता है। और दादी केवल एक मास के लिए लेके गई थी और मेरा मास कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद दादी मम्मा बाबा के साथ रही है तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हमें दादी जी से सुनने को मिलते थे, क्योंकि छोटे होते तो थोड़े अलबेलापन, लेकिन दादी ऐसा कभी डायरेक्ट डांटना या कुछ शिक्षा देना ऐसा नहीं करते थे,
लेकिन मम्मा बाबा हमको कैसे सिखाते थे, कभी हमसे गलती भी हो जाए, समझो एक बार रोटी का डब्बा मेरे से गिर गया, क्योंकि कुछ बहनें ऐसा हंसाते हुए ऐसा पीछे से ऐसा मारा उन्होंने और मेरे हाथ से डब्बा छूट गया। मैं उस समय बहुत छोटी होने के कारण डरती थी कि सबसे छोटी मैं हूँ, मुझसे भूल हुई है, अब दादी जरूर मुझे डांटेगी। दादी बिल्कुल कमरे से बाहर भी नहीं आकर देखती थी क्या हुआ, लेकिन रात्रि के समय जब हम भोजन करते थे तब दादी हमारा चार्ट पूछती थी। पहले बहुत प्यार से हमें स्वमानों में ले जाती, तुम ऐसी इतनी मीठी इतनी अच्छी सेवादारी, बाबा की आज्ञाकारी, फिर आज क्या किया था? हाँ? तो मैंने बोला दादी मेरे हाथ से आज रोटी का डब्बा गिर गया था। तो फिर दादी ने हमको बताया, देखो जब हम बाबा के साथ मम्मा के साथ रहते थे ना, अगर हमारे को ठोकर भी लग गई पहाड़ चढ़ते समय या गिर गए, बाबा मम्मा बोलते थे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। तो इस तरह से योग के ऊपर बहुत अटेंशन दिलाती थी। वैसे मैं अमृत वेला बचपन से हमारे माता पिता ने, मैंने खास तो पिता की तरफ से ज्यादा स्ट्रिक्ट पालना मिली, अमृत वेले ना उठे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन दादी ने सुंदरी बहन को बोला, ये बहुत छोटी है ना, इसको फोर्स नहीं करना, जब उठे तब उठे। तो मुझे लगा चलो अच्छा है, अभी फादर से छूटे ना, अब थोड़ा आराम से सो करके उठूंगी मैं। तो कभी उठ जाती थी मैं, जब सुंदरी बहन मेरे बाजू से उठ के जाती थी, लेकिन मैं सोचती थी मुझे दादी ने बोला है ना छोटी बच्ची है तो कोई बात नहीं। फिर एक दिन दादी ने देखा ये तो ढीला पुरुषार्थी बनती जा रही है, तो शाम के समय माताएं आती थी तो दादी उनके साथ कुछ ऐसा ड्राई फ्रूट कट करना, सब्जियां जैसे पत्ते की सब्जियां साफ करना, और साथ साथ कुछ ज्ञान की बातें। दादी फिर बोली कि देखो एक बात सुनो ध्यान से, सूर्यवंश में कौन आएंगे, चंद्रवंश में कौन आएंगे, वैश्य या शूद्रवंशी कैसे बनते हैं? तो जो अमृत वेले 4 बजे के पहले उठ जाता है वो सूर्यवंश में आएगा, जो थोड़ा देरी करेगा वो चंद्रवंश में आएगा, और जो 6 बजे के बाद उठेंगे वो तो सूर्यवंश चंद्रवंश से गए, और उसके बाद जो उठेंगे अपने आप समझ लो। तो फिर हमको मम्मा का भी उदाहरण सुनाया एक बार कि बाबा जब हम लोगों को उस समय सिंध में बाबा कन्याएं बहुत ज्यादा थी, भाई तो कम ही थे, तो बाबा हमेशा बोलते थे, मम्मा और कुछ दादियों को ड्यूटी दी हुई थी, सबके कमरों में 10 बजे के बाद लाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप लोग चक्कर लगा के धीरे से सुनना किस कमरे में देर तक आवाज होती है या बातें करते हैं। तो एक रात ऐसे ही हुआ, लाइट तो बंद कर दी पर हम बातें करते थे और अमृत वेला मिस हो गया। उस समय अमृत वेले इनमें से ही चाय बनाने की किसी की ड्यूटी थी, तो मम्मा स्वयं किचन में धीरे धीरे उतर के गई इनके कमरों के आगे से, और उस समय तो लकड़ियां जलाना होता था, फिर चूल्हे पर पतीला चढ़ाओ, अगर उसमें पानी डालो, सब कुछ मम्मा ने करके, पानी उबल रहा था, पत्ती भी डाल दी थी। तब तक इन्होंने आपस में बातचीत की धीरे धीरे की, अरे यहां से ऐसा मुझे एहसास हुआ मम्मा गई। वैसे मम्मा बाबा के खड़ाओं की भी कभी आवाज नहीं आती थी। फिर जैसे ही सब लोग नीचे गए, बहुत शर्म के मारे वो लोग सिर नीचे करके खड़े थे, मम्मा दृष्टि दे रही थी। मम्मा ने सबको पूछा, आप सब कौन हो, याद है आप सब होवनहार देवता हो, भक्तों के पूर्वज हो, उन्होंने तो उठा करके आपकी मूर्ति को स्नान भी करा दिया, भोग भी स्वीकार करा दिया, और आप चैतन्य देवता ही सो रहे हो, उनको क्या दिया आपने, क्या वाइब्रेशन मिले होंगे उनको? बस इशारे में मम्मा कहती थी और सब
समझ जाते थे, क्योंकि ज्यादा बोलने से आजकल लोगों को सुनने की ताकत कम है, इसलिए मम्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना ध्यान रखो हम कौन है और हमको बाबा ने क्या सेवा दी है वो मिस नहीं करो। उस दिन के बाद दादी बोली कोई भी अमृत वेला मिस नहीं करता था, क्योंकि बाबा का ये भी सभी को आदेश था कि कभी भी कोई क्लास में देरी से आए उसके बाद दरवाजा बंद। और अपना यहाँ माइक सिस्टम है, बाहर स्पीकर है, आजकल तो सब मधुबन में अपने अपने कमरों में भी सुनते रहते हैं कहीं भी बैठ के, लेकिन उस समय तो बाबा के मुख से सुनना होता था, माइक भी नहीं था, और फिर मुरली की कॉपी भी नहीं मिलेगी किसी को भी। इसलिए अगर एक दिन मिस हुआ तो बहुत पश्चाताप करते थे कि आज हमारा जैसे हम भोजन भी नहीं खाएंगे जब तक हमने ज्ञान नहीं सुना है। तो ऐसे मम्मा की विशेष धारणाएं थी, बहुत मम्मा का बाबा में निश्चय और विश्वास या प्यार इतना था कि बाबा जो कहता है उसको ये समझो कि ये ब्रह्मा बाबा नहीं शिव बाबा भी इनके साथ है। क्योंकि बच्चे बाबा जब कुछ कहता था तो हंसते भी थे कि ये तो मना बूढ़ा बाबा है, इसको क्या समझ में आता है। तो बाबा की तरफ मम्मा जो है सभी का बहुत ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा बाबा की मुरली को भी आप सबने सुना है, 2 बजे उठ करके लिखती थी और कोई एक विषय लेकर के उसको पूरा स्पष्टीकरण देती थी, एक ही पॉइंट उठाती थी मम्मा हमेशा, ताकि वो बच्चों को समझ में आए कि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही, आपको कितना तक समझ में आई है वो मम्मा की मुरली से समझ आता था। तो एक बार बाबा पांडव भवन के आंगन में सब बच्चों के साथ खड़े होकर के बहुत रमणीय तरीके से पूछ रहे थे, चलो आज मम्मा इन बच्चों को घुमा करके लाएंगे, कहाँ चलेंगे हम सभी। तो सब बच्चे जो होते उतावले होते हैं ना कि मेरा पहले सुना दूं मैं, बाबा आज हम फलानी पहाड़ी पर जाएंगे, कोई ने कहा डैम पर जाएंगे, कोई ने कहा नक्की लेक पर घूमेंगे, तो मतलब सब कोई बोले गार्डन में बैठेंगे, नक्की झील में हम लोग सब लोग बोटिंग करेंगे बाबा के साथ, ऐसा ऐसा। तो मम्मा जो है ना बहुत सीरियसली सबको दृष्टि देती थी, उससे उनको समझ में आता था हम कुछ रॉन्ग बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो ब्रह्मा बाबा को देख करके जैसे कि बस एक साधारण है उसके साथ ऐसा मजाक कर रहे, यहाँ जाना है वहां जाना है। तो बाबा ने कहा मम्मा आप डिसाइड कर लो फिर मुझे बताना, मैं रूम में जा रहा हूँ। मामा ने फिर दृष्टि देते हुए सबसे पूछा, आपसे कौन बात कर रहा था, कौन पूछ रहा था आपको कि कहाँ चलना है? पता है आप सब जो अपनी अपनी मत सुना रहे थे भगवान को, ये ठीक है उनकी श्रीमत पर आपको चलना है या आपकी मत पर भगवान को चलाएंगे? तो थोड़ा सबको ऐसा लगा कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मम्मा ने कहा आपको जब बाबा पूछ रहा है मानो भगवान पूछ रहा है, आपको भगवान को अपनी मर्जी नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन हमारा जो वायदा है बाबा से, आप जो खिलाओ जो पहनाओ जहां बिठाओ जहां ले जाओ हम आपकी मर्जी या आपकी श्रीमत पर चलेंगे। तो आप बाबा को मत नहीं दो, आपको कहना चाहिए बाबा आप जहां ले जाएंगे हम वहीं जाएंगे। तो इस तरह सिखाने का ढंग भी बहुत अच्छा था। मम्मा भी कभी भी किसी की मिस्टेक को नहीं देखती थी, किसी का वर्णन भी नहीं करती थी। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक बड़ी चारपाई थी एक छोटी थी, तो बाबा ने कहा ये बड़ी वाली चारपाई के नीचे छोटी वाली चारपाई जो है ना इसको सेट कर दो। तो उस समय प्रेम बहन देहरादून वाली सामने थी, तो कहा ये नहीं सेट होगी। तो मम्मा ने कहा कि आपको मालूम है कौन बोल रहा है, बाबा जो कहे हमारा काम है हां जी बोलना, कभी भी बाबा को राय मत दो कि ये नहीं आएगी, भले वो बाद में नहीं सेट हुई अलग बात है, लेकिन मम्मा को ये था कि बाबा जो कहे वो जरूर होगा।
तो ऐसे जब बैगरी पार्ट भी चल रहा था, तब भी बाबा मम्मा को जो कहते थे, मम्मा जी, हाँ जी बाबा, रात को दिन कहे, दिन को रात कहे, तो बाकी सब लोगों को ऐसा लगता था कि मना ये क्या एक जोक है दादी, बाबा जो कहता है मम्मा हाँ हाँ करती रहती है। तो उस समय आप सबको पता है कि यज्ञ में एक समय ऐसा था, जंगल में जाकर के कंदमूल खा करके पेट भरते थे, और शाम के समय पर, क्योंकि नींद नहीं आएगी, तो आधी रोटी और पतली सी दाल वो ही खाने को मिलता था। एक दिन तो हुंडी में बिल्कुल चार आना ही रह गया था। उस दिन बाबा भी जंगल में लेकर गए, तो मम्मा ने कहा कि बाबा अभी तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा, मम्मा अभी होली आ रही है ना, 2-3 दिन में इनको जलेबी खिलाएंगे। मम्मा ने प्रश्न नहीं कहा, पूछा कि कहाँ चार आने में ये 300-400 लोगों को जलेबी कैसे मिलेगी। सब लोग अच्छे से ठहाका मार के हंसने लगे, क्या मजाक है ये, खाना तो मिल नहीं रहा, जलेबी मिलेगी। तो मम्मा ने, जी बाबा अवश्य। और उस समय एक बंधन वाली माता आबू रोड से आती थी, सिंधी माता थी और संपन्न परिवार की थी, लेकिन बंधन होने के कारण रोज नहीं आती थी, कभी कभी जो भी उसके हाथ लगा ले आती थी। तो उस दिन जैसे बाबा ने मम्मा को कहा और मम्मा ने कहा हाँ जी बाबा, तो उनका पति जो है वो विष्णु भक्त था। बाबा ने उसे विष्णु का साक्षात्कार करा करके कहा, उठो बच्चे, अमृत वेले, अपनी पत्नी को उठा करके जहां वो जाती है सत्संग में, उसको 500 रुपया देकर भेजो और मेरे बच्चों को जलेबी खिलानी है। तो उस समय तो 500 रुपये बहुत बड़ी बात थी, 1950 के बाद की बात है ना ये। तो उसके बाद उसको लगा ये तो कुछ मेरी पत्नी का ही शरारत है, उसने ही ऐसा विष्णु का ड्रेस पहनकर आ गई होंगी। तो तुरंत जो है विष्णु जी को तो हाँ बोल दिया, लेकिन फिर उसके रूम में चेक करने गया तो देखा कि वो तो सोई हुई है। अगर वो पहनकर आती थी तो उसका ड्रेस तो इधर उधर होगा ना, वो भी जाकर देखा अंदर कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ी देर पर्दा पकड़ के खड़ा रहा, देखूं ये सचमुच सोई है या ऐसी ढोंग कर रही है, कुछ तो किया है इसने। देखा वो तो हिली भी नहीं, तो फिर आकर सो गया, सोचा सपना ही तो था, कोई रियलिटी थोड़ी है। फिर बाबा ने उसको हिलाया विष्णु रूप में ही, कहा कि तुम तो सोए हुए हो, उठो, टाइम नहीं है, उठाओ अपनी पत्नी को। फिर तो उसको लगा ये रियल है, भगवान मुझे उठा रहे बार बार, और मुझे तो उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, विष्णु जी आए ना। तो फिर उसने अपनी पत्नी को कहा, मुझे देखो ऐसा विष्णु भगवान ने कहा है कि उनके बच्चों को जलेबी खिलानी है, जहां तुम जाती हो वहां जाकर ये 500 रुपये दे के आ जाओ जल्दी। अब बाबा मामा को बोला, मामा तुम्हारी भक्त है ना, आज इस तरफ से आएगी, तुम बात कर लेना। मामा को हंसी आई, बाबा मेरी थोड़ी है, आपकी बच्ची है, तो मेरे को क्यों कहते हो आपकी भक्त आ रही है। तो कहा नहीं, वो माताएं तुम्हारे से अच्छे से खुलकर बात कर सकती ना, बंधन वाली है, इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा उधर जाओ आप, संकोच से आगे नहीं आएगी। तो देखा वो इतना खुशी में नाचते हुए आ रही थी, जंगल में उस समय ये लोग कंदमूल खाते थे ना, उसी समय वहां आ गई और बहुत खुशी से बोली, देखो आज बाबा ने क्या कमाल की, मेरे पति को विष्णु का साक्षात्कार करा के 2 बार उठाया और उसको बोला मेरे बच्चों को जलेबी खिलाओ, जहां तुम्हारी पत्नी जाती है ये पैसा देकर के आओ। अब मम्मा बाबा क्यों हाँ कहना, और ऐसा इंसिडेंट सामने देखकर सब दंग रह गए कि कमाल का निश्चय है मम्मा का, और बाबा भी देखो जो कहता है वो प्रैक्टिकल होता है।
तो सबको जलेबी खिलाई गई, लेकिन उस समय क्योंकि खाने पीने का भी बिल्कुल कुछ नहीं था, तो मम्मा ने पूछा था उस दिन बाबा को कि अभी आज बच्चों को क्या खिलाएंगे। एक दिन और ऐसा था, तो बाबा ने कहा, उस समय नया नया अपनी दादियों ने दिल्ली में सेवा की थी, तो उस सेवा में उस समय तो इन लोगों ने यमुना के किनारे बैठ करके एक छत के नीचे जो ऐसे गुंबद जैसे बने होते, स्नान करके लोग वहां बैठते, वहां कुछ पहलवान देखते थे, ये इतनी जवान लड़कियां हैं, सुंदर सुंदर हैं, लेकिन इनका कौन प्रोटेक्शन करेगा, हम लोग ही आपस में बारी बारी से इनका रक्षा करेंगे, रात को यहाँ पहरा देंगे। और वो स्विमिंग करने आते थे तो शर्त लगाई, अगर ये देवियां हैं हम जीत गए तो इनको भोग लगाएंगे। तो ऐसा जीत गए, और वो लोग एक दिन आकर पूछे, आप लोग कौन हो, आप तो देवियां हो, ये भोग लेकर आए, हमने आपको खाते हुए भी नहीं देखा। तो ये लोग जब देखते थे कोई भी नहीं है आसपास में, तभी रोटी बनाते थे और जल्दी जल्दी वो रोटी खा लेते थे, कुछ दाल सब्जी कुछ भी नहीं थी। फिर ये लोग तो बहुत सारे व्यंजन लेकर आए, तो फिर दादियों ने जब कहा हम नहीं खाते, तो फिर उन्होंने कहा क्या लाएं, तो हम तो ऐसे कुछ फल फूल जो भी है और मना कच्चा जो कुछ लाएंगे तो हम पका के खाएंगे। फिर उन्होंने कहा आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं आपको एक मंदिर में स्थान दिलाता हूँ। वहां जब सेवा बढ़ने लगी तो पुजारी को गुस्सा आया, और क्लास बहुत अच्छे से जम गई थी, तो माताओं को तो बहुत भावना होती है। जब पुजारी ने बोला यहाँ नहीं ये प्रचार करना, मेरी कमाई के ऊपर असर आ रहा है, सब इधर ही जा रहे हैं। फिर एक माता ने कमरा एक किचन ऐसा देख करके इनको वहां पर ले गई, और अंदर तो आने नहीं देते थे क्योंकि इनके पास सिर्फ एक आटा और नमक था, तेल घी कुछ नहीं, एक छोटी सी कोयले की अंगीठी पर रोटी बनाते थे, चार टुकड़ा करके खा लेते थे। अचानक एक दिन वो माता अंदर आ गई, देखा तो उसको वो सीन देखकर आंखों में आंसू आ गए। दूसरे दिन क्लास में तो बड़े बड़े लोग आते थे बिजनेस वाले, तो माता ने कहा आपको पता है ये क्या खाते हैं, जैसे गाय घास खा के दूध मक्खन देती, हमको इतना अच्छा ज्ञान दूध पिलाते हैं, और खुद तो ये लोग सूखी रोटी खा रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर सब ने कहा कि ठीक है हम मधुबन में अनाज भेजेंगे। पहली बार जब मिला तो दादी बिना टिकट के वो सामान पूरा बाबा के पास ले गई, क्योंकि यज्ञ में ही नहीं। बाबा ने फिर कहा कि ऐसी भूल नहीं करना बिना टिकट के, लेकिन वो सेवा करके क्योंकि यहाँ आ गए थे। फिर मनोहर दादी भोजन खिला रही थी एक दिन, तो आधी रोटी और थोड़ी थोड़ी दाल, जैसा बताया गया था कि इतना सही देना है जो रोटी डूब जाए। एक माता बुजुर्ग थी, दांत नहीं थे उसको, उसने कहा कि मनोहर मेरे को थोड़ा सा और डाल दो, मेरे दांत नहीं है तो मेरे को ये बहुत नरम करके खाना है। मनोहर दादी ने मना कर दिया कि नहीं, इतना ही मिलेगा अभी बाबा मम्मा के लिए और मेरे लिए ही है बस। तो बाबा मम्मा बाजू में ही थे, बाबा ने कहा बच्चे ये रोटी लाओ, हम दोनों तो ऐसे ही खा लेंगे, हमारे हिस्से का इसको दे दो। वो दाल भी क्या होती थी, पानी है जैसे नमक मिर्ची, क्योंकि 1-2 किलो दाल 400 लोगों के लिए आप सोच सकते कितना होगा। तो उसके बाद मनोहर दादी ने भोजन नहीं किया, पूरी रात रोई। मम्मा को जब सबने आके बताया, मम्मा मनोहर तो रो रो के तकिया भी गीला कर दिया है पर वो खा भी नहीं रही है, कि मम्मा बाबा ने नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊंगी। फिर मम्मा ने कहा कि देखो आपने नहीं खाया इसका कोई इतिहास नहीं बनेगा, लेकिन बाबा ने दाल नहीं खाई इसका एक इतिहास बनेगा, तो इसलिए रोना नहीं है। फिर उनको युक्ति सूझी कि चलो हमने सेवा की है ना, तो वहां लेटर लिखा, पोस्ट कार्ड तो खुला होता था, तो फिर उसमें आंसू टपक गया। फिर तो
वो इतने इमोशनल हो गए और उन्होंने ट्रक भर के सब सामग्री भेजी। और बाबा ने उसी दिन मम्मा को, जब मम्मा ने पूछा था आज शाम को क्या खिलाएंगे, बाबा ने कहा आज जो है ना दिल्ली से एक ट्रक आएगा 11 बजे, आप अनलोडिंग के लिए सेवाधारियों को रेडी रखना, उसमें कोयला भी, लकड़ी भी, घासलेट भी, आटा पिसा हुआ, अनाज साफ किया हुआ आएगा और 12 बजे घंटी बजेगी, बच्चों को भोजन मिलेगा। उस दिन सबको इतनी प्रसन्नता हुई आज पहली बार, क्योंकि मम्मा ने कहा तो भी सब हंसते रहे, कोई भी सेवादारी रेडी नहीं था। सचमुच ट्रक आता हुआ देखकर तब सब भाग भाग कर आए और उसको ट्रक को खाली किया और फिर भोजन फटाफट बनाया और 1 बजे सभी को ब्रह्मा भोजन मिला पेट भरकर बहुत दिनों के बाद। तो इस तरह से मम्मा एकदम निश्चय बुद्धि और निश्चिंत, और जैसे मम्मा हमेशा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ करके पुरुषार्थ करो, और जो बाबा का हुक्म है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, उस पर हमको चलना है। और उस समय जब ये लोग सिंध में थे तभी बाबा और मम्मा अलग-अलग स्थानों पर रहते थे। ब्रिजिंद्रा दादी जो कि उनकी लौकिक में बड़ी बहू बाबा की थी, उनकी ड्यूटी थी बाबा को सुबह से लेकर उठने से रात तक उनके साथ रहना, उनकी दिनचर्या सब, बाबा क्या बातचीत करते सब नोट करते थे। और मम्मा बोलती थी ब्रिजिंद्रा जैसे ही बाबा सो जाए ना तुम आ जाना मेरे पास। और मम्मा को इतना ये रहता था तुम बताओ जब बाबा उठा तो क्या बोला, नाश्ते के समय क्या बोला, तो मना वो दोनों छत पर बैठकर पूरी रात चर्चा करते थे। और जो बहने पहरे पर होती थी वो लोग पूछती थी इनका वार्तालाप देखो, पूरी रात सोती नहीं। फिर जैसे ही 3 साढ़े 3 बजे ऐसा घंटी बजती थी मम फिर ब्रिजेंद्रा दादी ड्राइव करके फटाफट भागती थी बाबा का उठने का समय। मना उनको सुध-बुध नहीं थी कि हमें सोना है, हमें कुछ आराम करना है। मम्मा तो ऐसा थी कि बस जैसे खुली किताब, और बाबा के प्रति इतना रिगार्ड कि बाबा जो कर रहे हैं मुझे बाबा के समान पुरुषार्थ करना है। और कभी भी दादियां हमेशा बताती है मम्मा बाबा के पुरुषार्थ में कभी कुछ मेहनत नहीं देखी। और मम्मा की ये विशेषता थी वो किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखती थी, चाहे कोई विद्रोह करने वाला भी आए मम्मा हमेशा योग युक्त रहती थी। मम्मा के नैनों से प्यार भी झलकता था और साथ साथ स्नेह भी, जैसा अपनी माँ से भी ज्यादा सबको ऐसा प्यार का अनुभव होता था। मम्मा बाबा की उस समय गोद में जाने पर सबको ऐसा महसूस होता था जैसे मानो कोई गर्म स्थान से एकदम आकर के बर्फ के बाजू में बैठ जाए, कितनी शीतलता का अनुभव होता है। तो मम्मा और बाबा की बहुत शीतल गोद थी। 1 साल तक भी हमारी माता जी सुनाती थी मुझे, 1 साल तक हमें कभी विकारी संकल्प भी नहीं आया, विकारी तो छोड़ो व्यर्थ भी नहीं आता था। इतना उनके संग का प्रभाव, बोलते हैं ना संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की दे दे अपना संग। तो ऐसा बाबा मम्मा का संग था जो सब बच्चे उनका संग पा करके अपने को धन्य धन्य समझते थे। और मम्मा के सामने भी बहुत विद्रोह करने वाले आते थे, दिखाओ तुम्हारी मम्मा कहाँ है, हम मम्मा से मिलेंगे, जबरदस्ती भी। तो जगदीश भाई ने एक बार बोला थोड़े थोड़े लोग आओ, थोड़े लोगों को परमिशन दिया। और जैसे ही वो अंदर गए सोचा हम गड़बड़ करेंगे, भाई बहने भी डर रहे थे, और मम्मा आकर के देवी की तरह प्रकट हुई, शांत मुद्रा में खड़ी होकर बहुत प्यार से उनको दृष्टि दी। और वो लोग तो इतना पानी पानी हो गए, बाहर आए उन्होंने कहा कि हम गलत कर रहे हैं, मम्मा तो इनकी देवी माँ है, माँ है, माँ माँ करके वो लोग रो रहे थे। तो वो लोग फिर बोले देखा तुमको तो जादू कर दिया है।
तो इसलिए कोई भी विद्रोह भी नहीं कर सकते थे। एक बार जगदीश भाई हैदराबाद में आए थे, जब नागार्जुना फर्टिलाइजर में सेवाएं शुरू हुई थी, तो मैं भी रात को उषा बहन करीना बहन थी, तो उनको जो भी मदद चाहिए मुझे बुला लेते थे, कोई भी महारथी आए तो। तो जगदीश भाई ने हमको बहुत अच्छे अनुभव सुनाए उस समय कि जब हापुड़ में गड़बड़ हो रही थी और जगदीश भाई को भी बहुत मारने की कुचलने की कोशिश कर रहे थे, बाबा ने वहां चंद्रमणि दादी को भेजा, तुम हो शेरनी शक्ति। जगदीश भाई को बहुत बार मना, वो लोग बस से कुचलना या ट्रक से, तो बाबा ने टचिंग दी कि पैदल नहीं जाओ, आप रिक्शा ले लो। फिर उसके बाद भी बहुत तूफान देखकर बाबा ने कहा हमारे लौकिक पिताजी के लिए कि मनिंदर सिंह को बुला लो, वो तो वैसे भी मिलिट्री वाला है, उसके पास राइफल आदि होगी, तो हमको चलाना नहीं पर डराना तो है। तो फिर थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम था, उतना डिटेल नहीं मालूम था क्योंकि हम तो छोटे थे। तो उनको एक बार तो हमारे लौकिक फादर को उठा के ले गए थे गुंडे ट्रक में, फिर पता नहीं कैसे युक्ति से बाबा ने छुड़ा दिया। फिर रात को वो लोग हमला करने वाले थे, तो ये दोनों छत पर ऐसे लेट गए, इनको बोला कि आप यूनिफॉर्म में, बाबा ने बोला बच्चे तुम पूरा टाइम यूनिफॉर्म में रहना। तो हमारे पिताजी को डर लग रहा था क्योंकि जगदीश भाई बड़े अनुभवी पुराने, मैं कहां इतना छोटा हूं, आयु में भी और अनुभव में भी मैं कैसे रक्षा करता हूँ यज्ञ की, मेरे से तो मुझे तो डर लग रहा है। तो जगदीश भाई उनको हिम्मत दे रहे थे कि आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बोलूंगा, सरदार जी वो आए देखो लगाओ गोली मारो गोली मारो, तो आप कुछ नहीं सिर्फ उठाना बस, ऐसा वो भाग गए। तो ये बाबा की बहुत अच्छी युक्तियां रहती थी कि बाबा ध्यान रखता था कौन सा बच्चा किस समय कैसे सेवा में उससे सेवा ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मम्मा का निश्चय था, मेरे लौकिक फादर को भी बाबा में बहुत निश्चय था। जब नए नए ज्ञान में भी आए थे, उनको युद्ध में जाना था, तो पता था ये हमारे नियम मर्यादाएं हैं। बाबा से पूछा अभी युद्ध में मैं जा रहा हूं तो मैं भोजन वहां का तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो तो सब कुछ खिलाते हुए नॉन वेज भी खिलाएंगे और सब तामसिक भोजन ही होगा। बाबा ने कहा बच्चे क्या कर सकते, युद्ध के मैदान में तो नहीं पकाने देंगे, तुम योग युक्त होकर खा लो। तो उन्होंने कहा बाबा नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, आपके अंदर भगवान आते तो भी आप नहीं खाते, मैं कैसे खा सकता हूं। बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, हिम्मते बच्चे मददे बाबा। और हम बहुत नए नए थे तो पूछा बाबा, क्योंकि मेरी युगल को तो मुश्किल से ज्ञान में लाया हूं और इनके परिवार वाले तो एंटी हैं, मेरे परिवार वाले भी एंटी, इनको छोड़ूं कहां मैं, क्योंकि अगर ये लोग वहां गए और वो लोग तो इनका ब्रेन वॉश कर देंगे। बाबा ने उस समय मना, हमको आश्चर्य लगता आज सोच करके कि आज हम भी किसी माता को छोटे बच्चों के साथ सेंटर पर रखने के लिए तैयार नहीं होते। और हम तीनों छोटे छोटे थे, एक बहन मेरी 1.25 साल 1.5 साल की होंगी उस समय तक, ज्ञान में आके 3-4 मास हुए थे, मैं भी समझो 4 साल की हूँ, भाई 5 साल का है। और बाबा ने कहा ऑलराउंडर दादी को और दादी को कि देखो इनको है ना बच्चों सहित ऊपर रजौरी गार्डन में आप एक कमरा दे दो, ये प्रीतम यहीं रहेगी। और बाबा उस समय नए नए थे तब भी बाबा बोलता था बच्चे ये पूरा परिवार समर्पित परिवार है, क्योंकि हमारे लौकिक पिताजी ने भी जैसे ब्रह्मा बाबा ने सर्वस्व अर्पण किया गृहस्थी होते हुए, तो भी उनको क्योंकि हमारी लौकिक नानी के पास से भी पैसा आता था और दादाजी के पास से पूरा ही ग्रेन्स वगैरह जो भी है वो भेजते थे, कोई खाने पीने की ऐसी कोई कमी नहीं, पूरा तनख्वाह पूरा बाबा को देते थे। तो बाबा बोला बच्चे इनको रखना, और कहा कि बच्चा अगर जाएगा इसको गोली भी लग गई तो बच्ची तो बच्चों सहित मेरी है, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। और हुआ क्या, वो आसाम की लड़ाई में गए थे, तो एक दिन तो उनका एक दोस्त सरदार उसको गोली लग गई और इनके दोस्तों ने सोचा ये मर गया, और टेलीग्राम आ गया कि तुम्हारे पति ने शरीर छोड़ा। तो बहुत रोए वो, मेरे बच्चों के साथ अब मैं कहाँ जाऊंगी, अगर इन्होंने धक्का लगाया तो मेरा तो कोई ठिकाना नहीं।
फिर 12 घंटे के बाद हमारे लौकिक पिताजी उसी दोस्त को दिखाई दिए, तो बोला यार मैंने तो तेरे घर में टेलीग्राम दे दी तेरी पत्नी को, तो बोला गलत किया है, तो मर जाएगी रो रो कर। फिर उन्होंने तार दिया कि मैं ठीक हूं, लेकिन भोजन नहीं खाने के बाद उस पर बहुत उनके साथ संघर्ष चला कि ये युद्ध के मैदान में ऐसा नहीं हो सकता। पर उस समय भी वो 3 बजे उठकर योग करते थे, तो उनके दोस्त साथी बोलते थे गुरु कौन सा है भाई तेरा, इतना दृढ़ संकल्प तेरा, खाता नहीं पीता नहीं कुछ नहीं, कैसा तुम जीता है, 21 दिन हो गया। थोड़ा सूखा टोली वोली जो थी वो भी खत्म हो गई, पानी पर रहे, कभी कोई फ्रूट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहे। तो फिर उनके ऑफिसर ने बोला कि मनिंदर सिंह तुम कुछ नहीं खाए हो, सच है ये? बोला हाँ। और इन्होंने कोर्स भी करा दिया कई भाई भाइयों को, उनके सीनियर ऑफिसर्स को भी, उनमें से कईयों की कन्याएं समर्पित भी हुई, रहे भी यज्ञ में और कुछ शरीर भी छोड़ दिए। बिदर वाली संतोष बहन, उनके पिताजी, वो मेरठ की थी, उनके पिताजी को भी हमारे लौकिक फादर से ज्ञान मिला। दिल्ली में भी राजेश बहन है, उनके माता पिता भी, वो भी हमारे लौकिक फादर से प्रभावित होकर के युद्ध में, बाद में भले ढीले हो गए, वो बेटी को तो समर्पित किया। फिर ऑफिसर ने कहा मुझे क्षमा करना, मेरे से भूल हो गई, लेकिन ऐसा ज्ञान अभी किसी और को नहीं देना, तुम आज तो पका के खा लो, आइंदा कुछ ऐसा कर लो जो युद्ध के मैदान में ना आना पड़े। तो उनको कोई ऑर्गन डैमेज करना है ऐसा उनको समझ में आ गया। युद्ध से लौटने के बाद उन्होंने अपने कान में सुई मारकर पर्दा फाड़ दिया, तो एक कान से सुनाई नहीं देता। तो ब्लीड होने के बाद हॉस्पिटल में जाकर सर्टिफिकेट ले लिया, ये युद्ध में जाने के लायक नहीं है, अनफिट है। तो इस तरह अगर हमारा निश्चय है, बाबा की मदद हर प्रकार से मिलती है। ऐसे हम आगरा में थे, तो क्योंकि हमारे लौकिक पिताजी को हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी उनकी थी, इंग्लिश में भी बहुत हाई वर्ड्स यूज करते थे, बहने अक्सर उनको स्टेज कोऑर्डिनेशन का काम देते थे, तो उनको याद नहीं था उनकी नाइट ड्यूटी है, और बहनों को बहुत सम्मान देते थे। जैसे हमारे जगदीश भाई, ब्रिजमोहन भाई जी भी हमेशा बहनों को आगे रखते, तो बहनों ने कहा कि आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, आप ही इंग्लिश में हिंदी में आपका स्टेज का करना है, शिवरात्रि थी शायद कुछ। तो उनको बीच में याद आ गया कि मेरी तो आज नाइट ड्यूटी है, और मिलिट्री में तो सजा होती है अगर बिना बताए कोई ड्यूटी पर नहीं आएगा। तो बहनों ने बोला ये बीच में तो अभी आप जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, भाई जी आप छोड़ दो, कुछ नहीं होता, बाबा देख लेगा, बाबा आपकी ड्यूटी कर देगा। तो उनको इतना निश्चय था, बहनों ने बोला माना बाबा ने बोला, नहीं गए। दूसरे दिन उनका दोस्त जो था, जिसकी ड्यूटी पर उनको रिलीफ करना था, तो वो जाकर शिकायत किया ये मनिंदर सिंह नाइट ड्यूटी पर नहीं था, मैंने देखा, बोला बुलाओ उसको। इनको तो मालूम था, और वो अंदर से रेडी थे, ज्यादा में ज्यादा क्या सजा देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, अच्छा है मैं तो बाबा की सेवा में ही रहूंगा। बहुत निर्भय होकर के वो ऑफिसर के सामने गए, तो उसने कहा ये, अरे तेरे को आंख है या नहीं, मैं खुद गया था रात को, राउंड पर था, मैं स्कूटर पे जा रहा था, इसने मुझे सल्यूट दिया। तब तो उनको इतना खुशी हुई, ये तो झूठ है, मैं तो था ही नहीं ड्यूटी पर, अवश्य बाबा ने मेरी ड्यूटी की है। तो इस तरह बाबा देखो अपने बच्चों का भी, अपने बच्चों की रक्षा भी करता है, उनका भाग्य बनाने का अवसर भी उनको देता है। तो ऐसे हमको तो बाबा का, मम्मा का इतना प्यार मिला, बाबा कहीं भी हम चले जाएं, वहां सेंटर हो या ना हो, हमारे घर पर मुरली आती थी, कोई भी आता जाता हो, बाबा उनके साथ हमारे लिए सौगाते, टोलियां, बिस्किट, चॉकलेट सब भेजता था कि प्रीतम के बच्चों का विशेष ध्यान रखना। और हमको बहुत अच्छे अच्छे विदेश के कपड़े भी बाबा भेजता था, क्योंकि बाबा देखता था इनका तो पिताजी कुछ भी ख्याल नहीं करता है, पूरा बाबा पर बलिहार है। तो इस तरह से हमारा पूरा जीवन बाबा की सेवाओं में,
समर्पित करके और फिर दादी से ट्रेनिंग पाकर आज मैं बाबा की स्थान पर, जैसे बाबा ने मुझे यहाँ के लिए निमित्त बनाया, तो ये सब बाबा की कमाल है। और हम बाबा की कमाल के ही गीत गाते कि बाबा आपने कमाल किया है। मुझ आत्मा में तो कोई योग्यता थी ही नहीं, जो भी योग्यताएं विशेषताएं दी हैं वो बाबा की देन है या बाबा का वरदान है। ओम शांति। क्योंकि अनुभव तो बहुत गहरे होते हैं, अभी सागर को हमने गागर में समाकर, समय भी पूरा हुआ है, फिर भी कभी समय मिलेगा तो आप सबसे मिलेंगे। और आप सबको शांति सरोवर के लिए हार्दिक निमंत्रण है कि आप सब यहाँ आकर के इस स्थान पर योग तपस्या का लाभ लें। ओम शांति। आप सबका बहुत धन्यवाद, हमको आपने कानपुर की सैर करा दी। हम यहाँ बैठे बैठे अभी तक तो 3-4 देशों में क्लास करा दिए हैं। कल भी सुबह हमारा डेलास में क्लास है 6:30 से 7:30, तो जहाँ हम नहीं गए विदेश में वहाँ बाबा हमको ऑनलाइन सेवा दिया। कानपुर में नहीं आई थी, आज अर्चना बहन ने कानपुर का भी दर्शन करा दिया। हमारे तीर्थ न्यारे हैं ना, तो हमारी यात्रा चल रही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है अभी? हाँ जी आ रही है। आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हम शुरू में दीदी जी का परिचय भी नहीं दे पाए, आवाज नहीं थी। अभी हम चाहेंगे कि हमारी परम आदरणीय मिशी दीदी जी, आप सभी ने उनके इतने मधुर महावाक्य कहे, अनुभव कहे दीदी के सुने, तो आदरणीय दीदी जी हैदराबाद शांति सरोवर की डायरेक्टर तथा बचपन से ही साकार मम्मा बाबा की पालना प्राप्त की हुई, और दीदी जी की आप तो मधुर वाणी सुनी, अति सौम्य वाणी की धनी और निरहंकारिता की मिसाल मीठी दीदी, जो पिछले 60 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो हम सबको अपने गहरे अनुभवों से लाभान्वित किया। जाएंगे दीदी, टाइम हो तो आप थोड़ा सा योग की अनुभूति जरूर कराएं कमेंट्री से। हाँ जी भले, हाँ योग जैसे भी आप गीत पर योग कराएं, कमेंट्री से कराएंगे तो अच्छा लगेगा। नए भी कई हैं, अभी लॉकडाउन में दीदी कई बच्चे बाबा के बने ऑनलाइन या, और बहुत अच्छे से मुरली भी सुन रहे हैं, और आपके अनुभव सुन करके पूरे परिवार के मम्मी पापा का हमको लग रहा था जैसे हम वहीं पहुंच गए उसी फैमिली में, तो बहुत अच्छा लगा। आप कानपुर नगरी में पधारे अपनी मीठी गंगे दादी के ब्रह्मावर्त नगरी में, मम्मा बाबा ने यहाँ बहुत सेवा किया, तो आपके अनुभव सुन के लग रहा था वहीं पहुंच गए। तो अगर आपके पास समय हो तो भले थोड़ा सा कमेंट। योग का ही समय है ना, आपके साथ योग कराएंगे और क्या है, योग का ही समय है ये ना। आपके पास समय हो थोड़ा अनुभव कराएंगे भले। हाँ जी ठीक है। कहाँ गया ये? नहीं, रेड लाइट नहीं डालना। ओम शांति। संध्या समय में हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण इस समय हम फरिश्ता स्वरूप से बाप दादा के पास मन बुद्धि से यात्रा करने चलेंगे। स्वयं को भ्रकुटी के मध्य एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। स्वयं को देह और देह के संबंधों से इस बाह्य संसार के आकर्षणों से परे
स्वयं को डबल लाइट अनुभव करते हुए मैं आत्मा सर्व आकर्षणों से मुक्त योगयुक्त होकर सूक्ष्म लोक में फरिश्तों की दुनिया में मैं आत्मा अलौकिक नजारा देख रही हूँ। फरिश्ता स्वरूप बाप दादा और मम्मा हम सर्व बच्चों को स्नेहमयी दृष्टि देते हुए अपनी बाहों को पसार कर हम बच्चों का आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, हमारी भुजाओं में समा जाओ, खो जाओ परमात्मा स्मृति में, बाबा मम्मा के इस अलौकिक स्नेह युक्त दृष्टि से मैं आत्मा स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझ आत्मा को बाबा ने सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर कर दिया है। अब मैं फरिश्ता उड़ते उड़ते परम धाम शांति धाम में बिंदु रूप में स्वयं को भी बिंदु रूप में स्थित कर उस बीज रूप अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। बीज में सर्व सार समाया हुआ होता है, ऐसी सार युक्त अवस्था का अनुभव बाबा मुझ आत्मा को करा रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा है बाबा से हमने सब कुछ पा लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मुझ आत्मा पर
सर्वशक्तिमान बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। ये सर्व शक्तियां मेरे पूरे शरीर में भी प्रवाहित हो रही हैं। इन सर्व शक्तियों को बाबा मुझ आत्मा के द्वारा इन नेत्रों के माध्यम से सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। ये सर्व शक्तियों की किरणें जिन आत्माओं पर पड़ रही हैं, वो सर्व आत्माएं स्वयं को सशक्त अनुभव करते हुए बाबा के गुणगान कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि हम आत्माओं पर पड़ी, हम आत्माएं भी दुख अशांति के अनुभव से मुक्त हुए। हम आज के संसार की दुखी अशांत आत्माओं को बाबा से सुख शांति की किरणें प्राप्त कर सर्वात्माओं को दे रहे, मैं आत्मा भी मास्टर दाता, मास्टर विधाता, वरदाता के रूप से जो भी परमात्मा से मुझ आत्मा को वरदान व शक्तियां प्राप्त हुई हैं, सारे विश्व में शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाएंगे। हम निर्भय आत्माएं हैं, परमात्म प्यार की छत्र छाया के अंदर है, सब तरह से हम सुरक्षित हैं। मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। हम सफलता मूर्त विजयी रत्न है। हमारी माया से व किसी भी परिस्थिति से हार नहीं हो सकती। क्योंकि मैं आत्मा बाबा पर बलिहार हूं और स्वयं परमात्मा
मुझ आत्मा पर बलिहार है। मैं आत्मा स्वयं को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव कर रही हूं। हमारे जैसा भाग्यवान सुखी और संपन्न आत्मा इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। बाबा, आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। मैं आत्मा दिल से आपका शुक्रिया करती हूं बाबा। आपको पाकर मुझ आत्मा का जीवन धन्य धन्य हो गया। आपकी पालना में सब बच्चे भी अपने को धन्य धन्य अनुभव करते हैं और आपकी वाह वाह के गीत गाते हैं। वाह मेरा बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह और वह मुझ आत्मा का भाग्य वह। ऐसे वह वह के गीत गाते हुए बाबा की याद में खो जाइए। लवलीन अवस्था का अनुभव कीजिए। बाबा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर समाकर सारे विश्व में फैलाइए। बहुत सुंदर दृश्य है। बाबा की शक्तियों की किरणों की छत्र छाया में सारे संसार की आत्माएं सुरक्षित हैं। मैं आत्मा भी बाबा को दिल से शुक्रिया करती हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब इसी अवस्था में हम सभी बाबा को शुक्रिया करते हुए समा जाइए बाबा की गोद में। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। बहुत बहुत आपका दिल से कहे शुक्रिया। बहुत अच्छा अनुभव कराया। योग की अनुभूति भी बहुत अच्छी लगी। आपका दिल से बहुत बहुत कहे थैंक्स सब भाई बहनों की तरफ से और हम बहनों की तरफ से भी। जो आपने हमको बिल्कुल मम्मा बाबा के अंकन का अनुभव बिल्कुल लग रहा था वहीं पहुंच गए हैं। थैंक यू दीदी। आपका भी थैंक्स, आपने सेवा का मौका दिया। थैंक यू। आपको स्वास्थ्य अच्छा है? बहुत अभी ठीक है दीदी? हाँ जी, हाँ जी ठीक है। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।